अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे प्री स्कूल क्लासरूम डेकोरेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ हैं और बहुत ही सिंपल आइडियाज़ हैं, जिनको आप ईज़िली बना के अपनी क्लास रूम को डिकोर कर सकते हैं। आप सिंपल चार्ट पेपर, ग्लेस शीट, ग्लिटर शीट, सॉफ्ट चार्ट, कंप्यूटर पेपर जैसा मटेरियल इस्तेमाल करके अपनी क्लासरूम को बहुत ही अमेजिंग तरीके से डेकोर कर सकते हैं। तो क्लासरूम डेकोरेशन के लिए इसमें डोर डेकोरेशन, बुलेटिन बोर्ड, वॉल डेकोरेशन या वॉल हैंगिंग डेकोरेशन आ जाती है, जिसमें आपने क्लासरूम डेकोरेशन में अपनी क्लास को सब्जेक्ट में डिवाइड कर देना है और उनके सब्जेक्ट के मुताबिक उनकी क्लासरूम डेकोरेशन हम कर सकते हैं। उनको डिफरेंट कॉर्नर अलॉट कर देते हैं, जैसे उर्दू कॉर्नर, इंग्लिश या मैथ कॉर्नर। अगर हम प्री क्लासेस की बात करें, अगर उनकी हम डेकोरेशन कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स वॉल्स पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लेटर्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेटर से जो वर्ड्स होता है वो उनकी शेप, उनकी पिक्चर साथ हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्लस मैथ्स में नंबर 1 to 10, प्लस नंबर्स उनमें कितने डिजिट या कितने आते हैं, जैसे कि 3 है तो 3 में 3 हम डॉट या स्पॉट या अपनी शेप्स ड्रा डिस्प्ले करवा सकते हैं। शेप्स हम डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी वॉल पे, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हम बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा हम कलर्स नाम, कलर्स वगैरह को हम कलर्स की डेकोरेशन करके वॉल पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। बहुत सिंपल और अमेजिंग आइडिया है जिसको हम इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्लासरूम में अगर मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स कॉर्नर की, तो उसमें हम 2 का टेबल या 3 या 4 का या इवन ऑड नंबर का डेकोरेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स के बारे में उनको बच्चों को अवेयरनेस करवा सकते हैं, रूम को डेकोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिक वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, उसकी वॉल पर डेकोरेशन करके डिस्प्ले करवा के बच्चों को बता सकते हैं लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा क्लासरूम रूल्स के बारे में बता सकते हैं, वेदर की डेकोरेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से वेदर्स होते हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं। इसके अलावा बहुत ही खास अमेजिंग तरीके से हम वॉवल्स की डेकोरेशन कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की डेकोरेशन करके बता सकते हैं, प्लस वॉवल्स का बता सकते हैं कि वॉवल्स कितने होते हैं। इसके अलावा पूरी वॉल को हम खूबसूरत तरीके से उसको डेकोर कर सकते हैं, सीज़न का बता सकते हैं, डे का बता सकते हैं, सनी डे, क्लाउडी डे या रेनी डे है उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। प्लस हम प्री क्लासेस के लिए एडिशन के क्वेश्चन की डेकोरेशन कर सकते हैं, एडिशन के क्वेश्चन की वॉल पे हम डेकोरेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर उर्दू की बात की जाए तो हरूफ़ तहजी, उसकी डेकोरेशन करवा सकते हैं, सवदे क्या होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। क्लासरूम डेकोरेशन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और स्टूडेंट्स को स्टडी में इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्री स्कूल के लिए हम कलर्स की डेकोरेशन करवा सकते हैं, प्लस हरूफ़ तहजी और अल्फ़ाबेट्स विद पिक्चर हम वॉल्स पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा इवन और ऑड नंबर का हम कंसेप्ट बोर्ड वॉल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस की क्वेश्चन उनका कंसेप्ट हम बोर्ड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, वॉल पेंटिंग करवा सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग और अट्रैक्टिव लुक देती है। प्लस इवन एंड ऑड नंबर का कंसेप्ट हम बोर्ड वॉल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा टाइम्स टेबल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल, उनकी क्लास के लेवल, हम टाइम्स टेबल वॉल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिस्प्ले करवा सकते हैं वॉल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इस तरह की और अमेजिंग वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।